आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, हनुमान जी के लिए बहुत ही अच्छे दो मंत्र बता रहा हूँ आपको, सरल से, सुगम से, कोई भी इन्हें सुविधा से कहीं भी कैसे भी अपना सकता है। कोई बंधन नहीं है इसमें वैसे तो, मगर अगर बंधन में बंधना चाहता है, उसको प्रॉपरली करना चाहता है, तो बहुत सरल सा तरीका आपको बता देता हूँ। और आपको पता है कि कलयुग में अगर किसी फलों की कामना है तो हनुमान जी से बढ़िया, हनुमान जी से अच्छा कोई देव नहीं है। इसको सब लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये बहुत, इनकी कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत सरलता से मिल जाती है, और कोई बंधन नहीं है इसमें, कोई खटराग नहीं है इसमें पूजा पाठ का। मैं बता देता हूँ सूक्ष्म में आपको, आप देखिए कि आपको इसको करके कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों, देखते रहिए आप लोग गोपाला जी मोटिवेशन वीडियोज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, और अच्छा लगता है तो नोटिफिकेशन बेल आती है उसमें क्लिक कर देंगे तो हमारे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम मंगल चुन लीजिए आप, जो भी सुविधाजनक हो आपके लिए, और 11 मंगलवार, 29 मंगलवार या 42 मंगलवार इनका व्रत ले लीजिए। व्रत में क्या करना है, व्रत में देखिए, व्रत डिपेंड करता है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार, आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे आप लोग करते हैं, मगर इतना कर लें कि सात्विक प्रवृत्ति हो, सात्विक भोजन हो आपका, सात्विक आपकी मानसिकता हो, और सदाचार के व्रत का जितने भी आप यम नियम आप पालन कर सकते हैं उनके पालन करने का व्रत ले लें आप। ये देखिए निर्भर करेगा आपके अपने स्वयं के ऊपर कि आप क्या सुनिश्चित करते हैं, किस तरीके से आप, कौन से नियम आप अपनाना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसमें, 11 हर मंगलवार को जो करेंगे आप, वो यही क्रम सारे अन्य मंगल में, 11 में, 29 में, जो भी मंगल चुनते हैं जितने भी आप करने के लिए, मंगलवार के दिन या उससे एक दिन पहले गुड़हल के फूल आते हैं, ये गुड़हल के फूल आप 11 की संख्या में ले लें। और ये अगर नहीं मिलते हैं तो विकल्प स्वरूप फिर कोई भी आप लाल रंग के पुष्प आप चुन लें। 11 आप पान के पत्ते, और अगर पान के पत्ते नहीं मिलते तो पीपल के पत्ते आप ले लीजिए। लाल रंग के धागे में इस प्रकार से पिरोइए आप एक गुड़हल का पुष्प और एक पत्ता, चाहे वो पान का पत्ता हो चाहे वो पीपल का पत्ता हो, और इसको अंत में गांठ बांध दीजिए आपको, तो 11-22 आपके टोटल ये पत्ते और फूल हो जाएंगे। इसमें गांठ बांध दीजिए, एक ये माला सरी की बन जाएगी। इस माला को आप लेके कहीं भी देवस्थल में, हनुमान जी की मूर्ति हो, हनुमान जी का कोई वो मंदिर हो जो जहाँ पे नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा पाठ होती रहती हो, वहाँ जिस भी प्रकार से आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दो मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, इन दो मंत्रों का आप अपनी अपनी सुविधा से, अपनी सामर्थ्य से आप जितना पाठ कर सकते हैं, है ना, 11 आप माला जप कर सकते हैं दोनों मंत्रों की, 11-11 माला जाप कीजिए। माला के लिए जो भी कोई आप माला, कर माला ले लीजिए, कोई भी माला ले लीजिए, कहते हैं कि लाल रंग की अकीक की माला अच्छी होती है, मूंगे की माला अच्छी होती है, तो ये कमलगट्टे की माला से भी आप जाप कर सकते हैं, ये आप ले लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र हैं ये वाले, मैं जानता हूँ, मगर मुझे प्रेरित किया, मैं, मेरा जो ग्वालियर प्रवास था वहाँ रमेश दुबे जी मेरे बड़े अच्छे भक्त मिले मुझे, हनुमान जी के अनन्य भक्त, मंदिर है जिसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखेंगे तो आपको भी आस्था डेवलप होगी कि एक शख्स कितना अच्छा काम कर रहा है हनुमान जी के लिए, हनुमान मंदिर के लिए। माला जब आपकी जप पूरी हो जाए, जप के बाद में ये जो आप माला ली है आपने, ये आप हनुमान जी के मंदिर में जो देव प्रतिमा है उसमें आप अर्पित कर दीजिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति नहीं होती, हनुमान जी के मंदिर नहीं होते, और बाहर जाने की सुविधा नहीं होती, तो फिर वो लोग ऐसा करें कि वो घर में हनुमान जी की सुंदर सी एक कोई छवि रख लें, प्रतिमा रख लें, उनकी कोई चित्र रख लें, और उसमें वहाँ बैठ के पूजा पाठ किया करें, और ये माला महादेव को अर्पित कर दिया करें। अगर मैंने कहा कि गुड़हल के फूल अगर नहीं होते तो कोई भी लाल रंग के पुष्प जब आप करें, वो माला पुष्प आप पूरे दूसरे मंगलवार तक नियमित रूप से चढ़े रहने दें। जब आप दूसरे फ्रेश आप माला अर्पित करें देव को, तब आप वो माला निकाल लें
और उसको जो जो ये आप कहीं जाके अपने कहीं वृक्ष के नीचे डाल दें, अगर पानी में बहने की कहीं सुविधा हो तो पानी में उसको विसर्जित कर दें, जो भी आपने जो भी अपना आपका क्रम हो, एक मंगलवार को जो क्रम आप यूज़ करें वही सारे मंगलवार को आपको फॉलो करने हैं। और अंतिम मंगलवार के दिन घर में या मंदिर में जैसा भी होता है, एक माला से इन दोनों मंत्रों की मंत्र जाप करते रहें और अग्नि में हवन सामग्री होम करें। हवन सामग्री में इतना ज़रूर कर लें कि जो इनकी जो संविधाएँ लेते हैं उसमें खादिर की उसकी आपकी संविधाएँ ज़रूर उसमें ऐड कर लें। ये आप करें और मैं आपको मंत्र धीरे धीरे बता देता हूँ। इस मंत्र का आप दो मंत्रों का आप जाप करें और आप देखें कि दैहिक भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की कामना के लिए कैसी भी इच्छा हो कितना आपका अच्छा इसका फल मिलेगा। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि हनुमान जी से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, चाहे हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी का बीज कर रहे हैं, हनुमान दशक कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, हनुमान भाव कर रहे हैं, हनुमान शतक कर रहे हैं, कुछ भी हनुमान, इवन हनुमान का आप कोई शबर मंत्र जाप कर रहे हैं, तो एक माला कम से कम सीताराम की ज़रूर जाप कर लिया करें। अगर ये नहीं करते हैं तो ये निश्चित है कि हनुमान जी जिनके इष्ट होते हैं, हनुमान जी की जो पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के निमित्त जो कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका गुस्सा ज़रूर बढ़ जाता है, उनकी मानसिकता चेंज होने लगती है। ये एक दो नहीं सैकड़ों केसेस में मैंने देखा है। तो सीताराम एक माला आप जाप कर लिया करें। और ये जो मंत्र मैं धीरे धीरे बोल भी देता हूँ, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, ये नोट कर लें, एक दोबारा जाप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिख लीजिएगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मंत्र है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। फिर बोल देता हूँ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और दूसरा मंत्र है, मंगल मूर्त मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। फिर बोल देता हूँ, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये जाप कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। हनुमान जी के निमित्त आपके लिए ये प्रयोग, ये उपाय, ये उपासना, ये व्रत फलीभूत होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। और श्री राम का पाठ, श्री राम का नाम, श्री राम का जप, ये करना नहीं भूलें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर ये आप करेंगे आपको प्रभु कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे फल देगा ही देगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।